हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों में MBBS करना चाहते हैं तो उनको कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि कॉलेज वाले जो हिडन फीस लेते हैं वो क्या होती है उनकी हिडन फीस। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं वही ही इस प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई नहीं हैं वो कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूपी के जो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं सब में सिर्फ ओपन सीट के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। यहाँ पे NRI या कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। अगर आपको कोई ये बात बता रहा है कि हम आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से करा देंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में हम काउंसलिंग प्रोसीजर के पे भी कुछ विशेष बातों का बताएंगे जिससे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों की कि जिससे आप MBBS कर सकें। तो टोटल यहाँ पे जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं 30 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें से लगभग आपकी जो सीटें हैं 4100 के लगभग सीटें हैं। और इन कॉलेजों में क्या था कि हर साल कॉलेज का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से फ़ीस लेता था, फीस स्ट्रक्चर अलग अलग था, पर यूपी गवर्नमेंट्स ने कॉलेजों की फ़ीस डिसाइड कर दी कि 12.5 लाख से ज़्यादा आप ट्यूशन फीस नहीं ले सकते हैं। साथ ही में आपका जो था हॉस्टल चार्ज, आप 1.5 लाख पर ईयर हॉस्टल चार्ज ले सकते हैं, और आपके जो अनदर चार्जेस थे वो कर दिया गया 80,000। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर दी थी, फिर भी कुछ कॉलेजों ने ऐसा मनमानी किया है, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर में पता चलता है कि किस कॉलेज में क्या था। उस कॉलेजों का नाम हम आपके सामने क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हिडन फीस ली है। हिडन फीस कुछ इस प्रकार से ली है, जैसे पहले तो बताया स्टूडेंट्स को कि 9 लाख पर ईयर फीस है, पर उसके बाद में क्या हुआ कि हिडन चार्ज कर दिया, 2.5 लाख उन स्टूडेंट्स से हिडन चार्जर ले लिया। हिडन चार्जर में ये था अनदर चार्ज। तो अनदर चार्ज क्या होगा, जब आपने 80,000 पहले से ही ले रखा था तो आपने अनदर चार्ज और किस बेस पे लिया, जैसे स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाते हैं उसका चार्ज एक्स्ट्रा कर दिया, और आपके जो बैक आ जाते हैं उसका चार्ज ज़्यादा ले लिया, इस तरीके से सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ उसका चार्ज ज़्यादा ले लिया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या करके मिला करके उस स्टूडेंट से लगभग जो कि उसका 50-55 लाख में कम्प्लीट हो रहा था जा करके लगभग 62-60 लाख में कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अवेयर हो करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट है वो हॉल कॉलेजों की फ़ीस डिसाइड कर दी गई है। अगर आपने ये सोचा कि इस कॉलेज में फ़ीस कम पड़ रही है ट्यूशन फीस और इस कॉलेज में हम एडमिशन ले लें, तो वो सोच समझ के लीजिएगा। आप जाके उस कॉलेज में जो पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो अब सेकेंड ईयर में गए हैं उनसे आप पूछ लीजिए उनका जो फीस रसीद है वो क्या है। ये सारी चीज़ें आप देख करके उनसे बात करके तब उस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स, हम एक बात आपको और बताएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय प्रोसीजर में आपको विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स। इसमें काउंसलिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा अनदर स्टेट से डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि दूसरे स्टेट में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी करा लेते हैं, पर यूपी में अपने यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको नोडल सेंटर पे जाकर ही करना होता है, और 2 लाख की आपको DD भी सबमिट करनी होती है। तो जब भी आप कॉलेज चूज करें तो आप प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट पहले से ही बना लें, पहले से ही उस कॉलेज में पता कर लें जब भी चॉइस फीलिंग करेंगे उससे पहले। और ये समय आपके पास सही है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस कॉलेज की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप चॉइस फीलिंग करेंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दिया तो उसके बाद आपको अगर कॉलेज अलाट हो जाता है तो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तो आपका जो 2 लाख है वो वापस नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ और भी है, कॉलेज चूज करने पे
कॉलेज फिलिंग के बाद आपको क्या है लॉक करना भी ज़रूरी है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो भी आपको कॉलेज अलाट नहीं होंगे। तो कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, वो आपको काउंसलिंग के समय विशेष ध्यान देना है। साथ में अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पहले उस कॉलेज की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वो बाद में ना ले सकें। क्योंकि अब फीस तो डिसाइडेड है कि 12-12.5 लाख से ज़्यादा कोई भी कॉलेज वाले ट्यूशन फीस नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होंगी तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जितने भी स्टेट हैं उसमें से यूपी स्टेट बेस्ट है, कॉलेज भी अच्छे हैं यहाँ पे। दूसरे स्टेट की तुलना में अपना यूपी स्टेट बहुत अच्छा है, जबकि कर्नाटक और डीम यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपका कर्नाटक या डीम यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इतने मार्क्स आपके नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके स्कोर हाई होने चाहिए। और अगर आपने 200-250 के स्कोर तक का किया है और आप क्वालिफाई हैं तो आप यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यूपी में ओपन सीट है, कोई भी NRI सीट या मैनेजमेंट कोटे की सीटें नहीं हैं। इसलिए अगर कोई भी आपको बताता है कि हम मैनेजमेंट कोटे से आपका एडमिशन करा देंगे तो आप बिल्कुल उसकी बातों में मत आइएगा। सिर्फ ओनली काउंसलिंग प्रोसीजर के द्वारा ही आपका एडमिशन पॉसिबल है। इस एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी स्टेट में काउंसलिंग करा कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों के लिए, तो साथ में आप किसी एक दो स्टेट की काउंसलिंग आप और कराएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। अभी तक तो फ़िलहाल यही है कि आपको यूपी स्टेट में काउंसलिंग कराने के लिए आपको नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही होगा। तो इसके साथ में आप देख लें कि कौन से स्टेट में कब कब काउंसलिंग हो रही है, उस स्टेट की के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट आप।